आप नमस्कार, मैं शाहीन शहजाद, एचबी न्यूज में आप सबका स्वागत है। 4 मार्च 2022 गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी ने 16/1 सैयद अहमद रोड वार्ड नंबर 54 में मोहम्मद आसिफ, वजाहत करीम, मोहम्मद राशिद और सारे मेम्बरान ने मिलकर 40वां साल जश्न ख्वाजा गरीब नवाज बड़ी धूमधाम से ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल सजाई। महफिल की शुरुआत 4 मार्च बरोज जुमा बादे नमाज ईशा मिलादुन नबी की महफिल, 5 मार्च बरोज शनिवार बादे नमाज ईशा शमय महफिल प्रोग्राम का इनाकात किया। उस महफिल की सजावट के रूप में जातिवाद, जात धर्म सभी लोगों ने शिरकत की। जरूरतमंदों के बीच में खाना भी तकसीम हुआ और अमन और शांति मुल्क भर में बना रहे इसके लिए दुआएं भी की। आइए देखते इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। जी, मेरा नाम हुआ वजाहत करीम। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं कितने सालों से? देखिए, ये तो तकरीबन 40-45 साल के लगभग हो गया है। बहुत छोटे पैमाने से शुरू हुआ था, आज गरीब नवाज का करम है कि इतना बड़ा तरीका से हम लोग इसको करने में कामयाब हुए। एक्चुअली क्या है कि हम लोग मतलब ऐसा है कि सब गरीब नवाज का चाहने वाला है। हम लोग जो है ये चीज़ का प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ से आते जाते होंगे तो देख लेंगे कि पंडाल का जो ये सब देख रहे, डेकोरेशन बहुत पहले से शुरू हो जाता है, मगर ये आहिस्ते आहिस्ते आने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ से आते हैं, आने के बाद सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और इतना बड़ा चीज़ है तो इसको बहुत तरीके से करने मांगते हैं। हम लोग नहीं मांगते कोई चीज़ मिस हो जाए, सब चीज़ तरीके से कंप्लीट करने में उसको हम लोगों ये लगता है। दो दिनों में देखिए, पहला दिन तो मिलाद होता है, तिलावत होता है, कुरान खानी से शुरू करते हैं, उसके बाद मिलाद होता है, मिलाद होने के बाद और नेक्स्ट डे आज जो है शमा महफिल कवाली का पूरा प्रोग्राम मंजर आप थोड़ी देर तक रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा। ये हमारे मौलाना सज्जाद साहब पास में ही हैं, छोटी मस्जिद के वहीं से आते हैं और बहुत अच्छा तकरीर होता है, बहुत माशाल्लाह भीड़ भी ऐसे मतलब आप आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा किस तरह का इंतजाम होता है उस वक्त। कमेटी ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी है, बस अपने बीच में ही है, आपस का ही है, मेरे सब मोहल्ले के लोग हैं, आपस में सब भाई भाई है, मतलब सब समझ लीजिए कि कुछ लोग अगल बगल के मिल करके फैमिली एंड फ्रेंड्स इसमें ही कंप्लीट कर लिया जाता है, बाकी किसी का कोई ऐसा ये नहीं है। इसके साथ साथ हमारा एक और अदारा अभी फॉर्म हुआ है, हेल्पिंग हैंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, वो रजिस्ट्रेशन में गया हुआ है, जिस वक्त उसका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होकर आ जाएगा तो ये दोनों चीज़ एक साथ मिल करके हम लोग कुछ बड़ा प्रोग्राम नहीं, अभी तक हम लोग ऐसा कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दिए हैं, ऐसे छूट वगैरह मतलब कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई मदद के लिए आता है तो वो अपना हो जाता है हम लोग का वहीं से, लेकिन हम लोग कोशिश में लगे हुए कि वंस एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसका जो है हम लोग और तरह मतलब और बड़ा तरीका से उसको कम्प्लीट कर बोलेंगे। आप लोग प्रोग्राम मदद से हम तो बताएं आपको, जैसे गली के लोग हैं, इलाका के कुछ लोग हैं, मिलजुल करके सब, मतलब ऐसा नहीं है जो कोई भी मतलब के नहीं ऐसा कुछ है, बाकी आस पास के जो भी हैं, हाँ जो गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उनके पास जो है कि एक मैसेज जाता है, वो खुद ब खुद आगे बढ़ करके काम के लिए हिस्सा ले लेते हैं। ऐसे तो अभी तक जो है तो शादी वगैरह में हुआ, किसी को कुछ मेडिसिन का जरूरत पड़ा तो वो मेडिसिन जाता है ऐसे, और बाकी हम लोग अभी एक मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ है मेरा नाम। ये तो प्रोग्राम जो है बहुत साल हो गया, 93 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, जब स्टार्टिंग ये शुरू हुआ था बहुत छोटा सा पैमाने में था, लेकिन हर सालों साल जो है ये बहुत इम्प्रूव करने लगा ये प्रोग्राम को, और अभी माशाल्लाह ये अल्लाह का करम है, ये गरीब नवाज का ही है कि ये प्रोग्राम अभी बहुत ये हो गया, ये मतलब बंगाल के अंदर में बड़ा प्रोग्राम है चिश्तिया प्रोग्राम। हिलने के लिए जो हो सकता है हम लोग खिदमत ख्याल हम लोग करते हैं, लंगर वगैरह जैसे कि उन लोगों के लंगर है, बैठने का इंतजाम है, जैसा अपना हो सकता है करते हैं हम लोग। नहीं, लॉकडाउन में जो है ये हमने परमिशन पास किया था, लेकिन मतलब कानून का मतलब जो रूल्स के हिसाब से हम लोग को ये परमिशन नहीं मिला, हम लोग इस पोस्टपोन कर रहे हैं प्रोग्राम को। अच्छा, हाँ बच्चों लोगों का भी शिरकत रहता है, बहुत सारा बच्चों लोगों का भी ऑर्गेनाइज हुआ था, बच्चों लोगों का भी पार्टिसिपेट किया था 2 साल पहले, लेकिन एक टाइम में सब कुछ तो इकट्ठा नहीं कर सकते ना, तो ये बच्चों लोग भी शामिल होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन होता है, इस्लामिक क्विज होता है, बच्चों के लिए फिरनी, खाना, लंगर सब कुछ इंतजाम होता है, इसी में करते हैं हम लोग। एक दिन पहले बच्चों का क्विज कॉम्पिटिशन कराते हैं, फिर मिलादुन नबी होता है, उसके बाद जश्न महफिल होता है, सब कुछ इंतजाम करते हैं हम लोग। ये आज से नहीं, बहुत सालों से चले आ रहा है, हम लोग पूरा तरीका से
अकॉर्डिंग टू द लॉ हम लोग चलते हैं। जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो उस टाइम में हम लोग ऐसा कुछ नहीं किया था जिसमें किसी गरीब लड़की का शादी है जैसे बाप कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसमें हम लोग को आके बोला जाता है तो हम लोग बैनर तले करते हैं। हम लोग का 40-45 हम आदमी का कमेटी मेंबर है। हम लोग आपस में ही डिस्कस करके पूरा हेल्प करके हम लोग पूरा उसका हेल्प करके पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा है हम लोग का पूरा है कि आपको अगर कुछ ज़रूरत है आप लोग हम लोग को आके बोलिए। हम लोग का पूरा कमेटी मेंबर में बहुत सारे लोग हैं, 40-45 लोग हैं, हमारे बड़े हैं, हम लोग साथ के हैं, हम लोग सब मिलकर हेल्प करते हैं, पूरा उसका कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। तो गरीब नवाज का काम है ऐसा है कि 30 देख 40 देख उसका कोई लिमिट नहीं है। जब जैसा जिस तरह से होता है उस तरह से बनता है। अभी इस बार आप जाके देख लेंगे लगभग 25-30 देख का खाना है। यहाँ पे हम लोग पूरा ऑर्गेनाइज तरीका से करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि हम बस एक जगह खड़े हो गए बांटना शुरू कर दिया, ऐसा तरीका नहीं है। मेरा सिस्टम नहीं जो भी आए ऐसा नहीं कि कोई एनी माने ट्रेसपासर्स के लिए जो भी जा रहा है वो आया हो किसी कम्युनिटी से भी हो, हमारे कम्युनिटी से हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, वो आता है गरीब नवाज का, वो चाहने वाला है या नहीं भी चाहने वाला है, आता है मांगता है उसको हम लोग देते हैं, नहीं भी मांगता है हमारे तरफ से। जी 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 गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के लिए देखिए आप ये तो सिर्फ जो सियासतदान बैठा हुआ है जिसको तकलीफ है कि उसका सीट पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाए वो खेल करने के लिए ये सब कर रहा है, वरना हम लोग तो सब मिल करके है। देखिए सामने में यहाँ पर यहाँ जो बंगाली हिंदू लोग हैं पूरा लोग का साथ खाना पीना मतलब समझिए लंगर का खाना लोग आराम से खाना पीना या फिर कोई बाहर से भी आता है तो एकदम आराम से खाना पीना होता है, ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है पूरा उन और जब ऊपर वाला बनाने में भेद नहीं किया तो हम लोग भेद करने वाला कौन है इसको लेकर हम लोग मिलकर। अच्छा आप बताएं जैसे कि आप लोगों की यहाँ पे यूथ जनरेशन को देखा गया है, यूथ जनरेशन बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है, तो आने वाले जनरेशन को आप इसके लिए क्या मैसेज अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे आने वाले? हम लोग ये तो गरीब नवाज का पैगाम है, ये वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, ये एक्चुअली ये दरबारी प्रोग्राम है और इसमें जो ये मैसेज है हम लोग का यही है, भाईचारगी वाला प्रोग्राम है, इसमें हिंदू मुसलमान गरीब नवाज में हर किस्म का जात जाता है तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वो एक ऐसा दर है वहाँ पे कोई भेदभाव, हर मजहब के लोग जाते हैं तो वहाँ किसी का रुकावट नहीं है। ये एक मैसेज अच्छा का पैगाम मैसेज का पैगाम है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो मोहम्मद उवैस अकबर है। अच्छा भाई आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, तो यहाँ के जितने भी अवाम उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? यहाँ पर का अवाम को यही मैसेज है कि सब मिलजुल के रहे और एक दूसरा का मदद करते रहे, आने वाला टाइम में भी और पहले भी हम लोग करते हुए आए हैं। 40 साल हो चुका भाई आप लोग का ये प्रोग्राम करते हुए, आप लोगों ने 40 साल तो पूरा किया, क्या कहना? 40 साल पूरा किया, बस अल्लाह का करम है सब में और इंशाल्लाह होते रहे आने वाला दौर पे भी।